पढ़ेंगे कि कैसे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। ठीक है, अभी तक तो आपने देख लिया कि क्या पार्ट्स थे, क्या स्ट्रक्चर थे, कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, देन जो पॉलन ग्रेन्स थे वो कैसे आपके ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा पर दो मेथड्स, या तो सेल्फ पॉलिनेशन खुद से ही, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि किसी एजेंट्स के थ्रू। तो ये सब थी, बट अब हम आते हैं रियल मेथड पे, यानी कि रियल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पर। ठीक है, यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है तो उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, उन सब को बारे में हमें अब पढ़ना है। यानी कि बेसिकली रिप्रोडक्शन को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं इस स्लाइड में। सो नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम, अब आप देखो यहाँ पर दो पॉलन दिखाए गए। ठीक है, नाउ इस चीज को समझो, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टिग्मा है, क्योंकि ये तो हमेशा ही खुला रहता है, ठीक है, प्लांट्स ऐसा तो है ना, ये ढक के रखा हुआ है, तो इस पे जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जरूरी नहीं होते हैं कि इस पे हमेशा पॉलन ग्रेन इसी के आए, है ना, क्योंकि इंसेक्ट तो कई सारे फूलों पर जाते हैं, कई सारे फ्लावर्स पर जाते हैं, तो कई सारे फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन अपने लेग्स पर स्टिक किए होते हैं, तो इस पे जरूरी, मान लो ये अगर आपका रोज प्लांट है तो इस पे मान लो जो इंसेक्ट आया उसने इसके वाले पॉलन ग्रेन तो लाए ही, साथ में वो किसी और फ्लावर के भी पॉलन ग्रेन्स ले आया, जैसे कि सनफ्लावर का ले आया, जैस्मिन का ले आया, ठीक है, और भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, और हिबिस्कस का पॉलन ग्रेन ले आया, कई सारे फ्लावर्स को वो ले आया। ठीक है, नाउ अब ये जो स्टिग्मा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस केस में, क्या करता है, पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, यानी कि कौन सा पॉलन ग्रेन उसका है एंड कौन सा दूसरे स्पीशीज का, यानी कि अपनी ही स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को वो एक्सेप्ट करता है एंड बाकी जितने भी अदर स्पीशीज के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स हैं उन सबको डिस्कार्ड करने का काम करता है आपका स्टिग्मा। तो स्टिग्मा में ये स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी पॉलन ग्रेन यानी अपनी स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, तो बाकी जितने भी होंगे जैस्मिन या सनफ्लावर या हिबिस्कस या बाकी कोई भी दूसरे फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन उस पर होगा तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड, एंड सिर्फ वही पॉलन ग्रेन जो कि इस स्पीशीज का होगा वही स्टिग्मा क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ ये तो होगी बात केस वन, ठीक है, केस वन। नाउ केस टू देखो, नाउ मान लो कि वो जो आपका इंसेक्ट, क्योंकि वो एक ही तो पॉलन ग्रेन लाता नहीं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन लाया, ठीक है, तो एक ही स्पीशीज, मतलब मान लो वो रोज का ही पॉलन ग्रेन ला रहा है लेकिन वो कई सारा पॉलन ग्रेन लेकर आया, ठीक है, कई सारे रोज के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर हैं, तो ना स्टिग्मा में ये भी कैपेसिटी या बोलिए एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो बाकी जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन सबको डिस्कार्ड करती एक टाइम पर, एक टाइम पर एक ही पॉलन ग्रेन एंटर करता है स्टिग्मा में, ठीक है, बाकी जितने भी पॉलन ग्रेन है भले ही उस स्पीशीज के ही क्यों ना हो सारे स्टिग्मा क्या करती है, डिस्कार्ड कर देती है। तो ये दो खास फीचर हैं, स्टिग्मा सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन को कैरी करती है, बाकी जितने भी होते हैं सबको डिस्कार्ड कर देती है। नाउ नेक्स्ट देखो क्या होता है, जैसे ही अब आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है, बाकी सारे तो पॉलन ग्रेन डिस्कार्ड कर देते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन बच जाता है, ठीक है, मान लो ये एक पॉलन ग्रेन है जो कि रोज का है, तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट, ठीक है, ये मेल गैमीट है, तो अब जैसे ही वो स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो मैंने आपको जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तब आपको मैंने कीमो ऑटोट्रॉपिज्म, ठीक है, कीमो ट्रॉपिज्म की बात बताई थी, है ना, कीमोट्रॉपिज्म क्या मतलब होता है इसका, वो ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि प्लांट शो करते हैं किसी केमिकल के रिलीज से। तो क्या होता है, जैसे ही इस पर कोई पॉलन ग्रेन रिलीज होता है तो ये जो ओवरीज होती हैं वो किसी केमिकल को रिलीज करती हैं, क्या करती है, किसी केमिकल को रिलीज करती हैं जो कि ट्रिगर करता है
पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, यानी कि एक पतली सी पाइप यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। याद करिए जब कीमो ट्रॉपिज्म पढ़ाया था तो यही एग्जांपल दिया था, मैंने कहा भी था कि रिप्रोडक्शन में अच्छे से समझोगे इसको। तो यही चीज़ है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पर आता है तो एक केमिकल रिलीज होता है इस साइड से जो कि ट्रिगर करता है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन का। एंड ये पॉलन ट्यूब आपकी ग्रो कर करके सीधा कहाँ जाती है, ओव्यूल के अंदर, जहाँ पे आपकी फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तो कह सकते हैं एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर बना देती है। एंड जो इसके अंदर मेल गैमीट होता है वो इसी पाइप से ट्रेवल करके आपका अंदर पहुँचता है। ठीक है, एंड बाकी जो भी पॉलन ग्रेन्स थे, देखो ये देखो दूसरा पॉलन ग्रेन, दूसरे पॉलन ग्रेन का जो ट्यूब फॉर्मेशन है वो हो ही नहीं पाता है, उसको रोक देती है स्टिग्मा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन एक समय पर जाता है अंदर। तो अब देखो डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि पॉलन ग्रेन क्या है, यहाँ पे ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड देखो यहाँ पर ये आपको मेल गैमीट दिख रहा है, देखो यहाँ लिखा है मेल जर्म सेल। ये मेल जर्म सेल इस पॉलन ट्यूब से ट्रैवल करके आपका कहाँ आ जाता है, फीमेल जर्म सेल। यानी फीमेल जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल के अंदर वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे होता है ना। अब ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये आपका ट्यूब है, ठीक है, एंड इस ट्यूब में क्या आ रहा है आपका, मेल गैमीट। ठीक है, ये आपका मेल गैमीट या मेल जर्म सेल है। ठीक है, ये है आपका ओव्यूल। ठीक, ये रहा ओव्यूल, एंड यहां पे सेंटर में होती है आपकी फीमेल की न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फीमेल गैमीट। ठीक है, ये आपका फीमेल जर्म सेल या बोलिए गैमीट है। ठीक है, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है, ओव्यूल के अंदर होता है ओवम, यानी कि फीमेल गैमीट, ये पूरा फीमेल गैमीट है ना। फीमेल गैमीट के अंदर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो मेन न्यूक्लियस होता है ये, इसको ही कहते हैं हम एग। ठीक है, एग न्यूक्लियस, जहां पर आपका मेल न्यूक्लियस आकर फ्यूज करता है। ठीक है, देखो ये मेल गैमीट है, मेल गैमीट के अंदर क्या होगा, मेल न्यूक्लियस। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक और दो। तो जो पहला न्यूक्लियस होता है मेल गैमीट का, वो इस फीमेल गैमीट के इस एग वाले न्यूक्लियस से, ठीक है, इस फीमेल गैमीट के इस एग वाले न्यूक्लियस से क्या करता है, यहाँ पर आता है, दोनों फ्यूज कर जाते हैं। एंड देन ये लेटर ऑन क्या बनाता है, यही एग न्यूक्लियस लेटर ऑन बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एंड ये एम्ब्रियो ही जब आपका मिच्योर हो जाता है तो क्या बना देता है, सीड। ठीक है, तो अब देखो ये आपका फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, ओवम के अंदर एक तो मेल का गैमीट का न्यूक्लियस इस एग से फ्यूज कर गया। नाउ इसी मेल गैमीट के, फीमेल गैमीट के अंदर एक दो और न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, दो और न्यूक्लियस होते हैं, तो जो आपका मेल गैमीट का एक और न्यूक्लियस है ये वाला, अब ये न्यूक्लियस आपका इधर आकर फ्यूज करता है, ये तीनों फ्यूज कर जाते हैं एंड ये बना लेता है आपका एंडोस्पर्म। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, फिर से देखो क्या होता है, ये आपका पॉलन ग्रेन है। ठीक है, ये आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट। ठीक है, अब क्योंकि मेल गैमीट कहिए या बोलिए मेल सेक्स सेल्स, ठीक है, एंड कोई भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है लेकिन दो होता है। ठीक है, न्यूक्लियस वन एंड न्यूक्लियस टू। ठीक है, अब ये जब कहाँ जाते हैं, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल में जाते हैं। ठीक है ना, ओव्यूल के अंदर होती है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट का क्या नाम है आपका, ओवम, फीमेल गैमीट का नाम है ओवम। नाउ इस ओवम में, इस ओवम में आपके
दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे न्यूक्लियस है, लेकिन जो आपके कंसर्न के लिए वो जानिए। देखो, दो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, एक न्यूक्लियस होता है नीचे की साइड में, ठीक है, ये इस तरीके से। एंड ये आपका पूरा क्या है, ओवम, यानी ये पूरा आपका फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर है। तो देखो, होते एक्चुअली कई सारे हैं। देखो, एक यहाँ, तीन यहाँ पर होते हैं, ठीक है, तीन यहाँ पर, दो बीच में होते हैं, दो साइड में भी लगे हुए होते हैं एग के साथ, ठीक है। लेकिन जो आपको याद रखना है, क्योंकि मेल गैमेट के पास कितने न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वन एंड न्यूक्लियस टू, तो एक न्यूक्लियस जो है वो इसके साथ, जिसको हम बोलते हैं एग न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, एग न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस जो है वो इस फीमेल गैमेट के एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, एंड उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे ही मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के साथ आपका कंबाइन करता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वहीं पर हो गया, एंड ये आपका एग न्यूक्लियस फिर फ्यूचर क्या बना लेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ही आपका एग का न्यूक्लियस, ठीक है, एग न्यूक्लियस प्लस मेल गैमीट का न्यूक्लियस, ठीक है, मेल गैमीट न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है, एंड यही एम्ब्रियो आपका फ्यूचर में क्या बना लेता है, सीड, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट देखो, दूसरे न्यूक्लियस का क्या होता है, ये जो सेंटर में आपके दो न्यूक्लियस होते हैं उसके बीच में ये भी चला जाता है, एंड ये फिर तीनों फ्यूज कर जाते हैं, ये तीनों फ्यूज कर जाते हैं, एंड देन ये बना लेते हैं आपका एंडोस्पर्म। देखो, ये जो एम्ब्रियो है, जैसे कि जब आपके ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में आपका जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जो बेबी है ना, बेबी जो होता है वो आपके मदर के वोम में रहता है, ऐसा तो होता नहीं कि तुरंत बाहर आ जाता है, नहीं, क्यों तुरंत बाहर नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या सा होता है, इमेच्योर होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो आपका एम्ब्रियो है वो उस टाइम पे कैसा होता है, इमेच्योर होता है, उसको मिच्योर होने के बाद वो सीड में कन्वर्ट होता है। तो इमिच्योर एम्ब्रियो को जो भी नरिशमेंट, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन, जैसे कि हमारे अंदर जो मदर है, मदर के अंदर जो बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन मदर की बॉडी से मिल रहा होता है, सिमिलरली यहाँ पर जो ये एम्ब्रियो बना, जैसे कि ये एक तरह से प्लांट का क्या है, बेबी है, प्लांट का जो बेबी है, ठीक है, एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने वाला कौन होता है, ये एंडोस्पर्म। अब समझ में आया कि क्या रोल है यहाँ पर एंडोस्पर्म का। तो ये जो एंडोस्पर्म है, तो जो भी इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन एंड आपका नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन देता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। एंड देन जैसे ही आपका एम्ब्रियो मिच्योर हो जाता है, ठीक है, जैसे ही वो मिच्योर हो जाता है, ये सारा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सारा यूज कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका सीड में कन्वर्ट होता है, तो एंडोस्पर्म फिर नहीं बचता, खत्म हो जाता है। तो अब इसको एक और बार देख लीजिए, पॉलन ग्रेन्स आपके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि ओव्यूल के अंदर जाता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट, जिसको बोलते हैं ओवम, ठीक है ना। ये मेल गैमीट आपका ओवम के अंदर जाता है, यानी कि फीमेल गैमीट के अंदर जाता है। फीमेल गैमीट मतलब फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। ये आपका मेल गैमीट यानी कि मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमीट, मेल गैमीट, ठीक है। अब देखो, सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। जो आपका फीमेल गैमीट है उसके अंदर दो न्यूक्लियस सेंटर में, तीन न्यूक्लियस ऊपर और तीन न्यूक्लियस नीचे। तो ये जो ये सेंटर यहाँ पर होता है, इसको ही बोलते हैं एग न्यूक्लियस या एग, ठीक है। जो मेल गैमीट है उसके अंदर भी दो न्यूक्लियस होते हैं ना, दो, एक न्यूक्लियस जो होता है वो इस एग वाले न्यूक्लियस से फ्यूज करता है एंड एम्ब्रियो बनाता है। यही एम्ब्रियो ही इस प्लांट का क्या है, इमैच्योर बेबी है, ठीक है। एंड वही जब आपका मैच्योर होता है तो सीड का फॉर्म बनाता है, एंड वही सीड जब आपका ऑयल में जाता है, सॉरी सॉइल में जाता है, तो नया प्लांट बनाता है, ठीक है। तो अब इस इमैच्योर एम्ब्रियो को भी न्यूट्रिशन, क्योंकि भाई उसको ग्रो करने के लिए, मैच्योर करने के लिए खाना चाहिए। जैसे कि वुमेन्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बॉडी में जो बेबी होता है उसको जो भी फूड मिल रहा होता है वो मदर की बॉडी से मिल रहा होता है ना,
सिमिलरली ये जो एम्ब्रियो, इसको जो फूड देने का काम कर रहा है वो आपका एंडोस्पर्म करता है। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, जो सेंटर में आपके जो दो न्यूक्लियस हैं वो मेल गैमीट के इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करते हैं एंड एंडोस्पर्म बनाते हैं। यही एंडोस्पर्म आपका क्या करता है, न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट का काम देता, वर्क करता है, या कहें कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है, ओके। सो ये आपका ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नाउ तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप जान लीजिए। सबसे पहले एंडोस्पर्म का फंक्शन, एंडोस्पर्म जो होता है वो आपका एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक, नाउ एम्ब्रियो जो होता है वो आपका मैच्योर होके सीड बनाता है। क्या बनाता है, सीड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका जो ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी वो आपका फ्रूट बनाता है। ठीक है, तो ये आपकी तीन चीजें जिसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो जो होता है वही आपका सीड बनाता है, एंड जो ओवरी होता है वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है जब रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ सो आफ्टर आफ्टर रिप्रोडक्शन इवेंट, ये सारे तो रिप्रोडक्शन इवेंट है। जैसे ही रिप्रोडक्शन आपका हो जाता है उसके बाद देखो क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, आपका एम्ब्रियो, ठीक है, वो किसका कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, एम्ब्रियो आपका जो है वो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओवरीज जो होती हैं वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड बाकी जितने भी फ्लावर के पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, है ना, एंथर, देन आपका सॉरी स्टेमेन, कार्पल, ये सारे जो भी फर्दर पार्ट्स होते हैं वो सारे डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ फ्रूट बचता है एंड उसमें सीड होता है, फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, यानी कि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है ना, तो इसीलिए फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावर्स में। ठीक, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ द सीड। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि जब आपका मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं, ठीक है, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर आपका एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एंड ये एम्ब्रियो ही आपका स्लोली एंड इवेंचुअली मैच्योर हो जाता है सीड में, है ना। अब देखो ये आपका ओवरी है, ठीक, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल था एंड ओव्यूल के अंदर क्या था, आपका एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो किससे बना था आपका, जब आपका मेल गैमीट से कंबाइन होता है तो ये आपका एम्ब्रियो बनाता है ना। एंड यहाँ पर आपने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखा था कि एंडोस्पर्म बन रहा है, तो ये ओवरऑल, ठीक है, ये ओवरऑल जो आपका ओव्यूल है, ठीक है, ये आपका स्लोली क्या होता है, उसके ऊपर कई सारी लेयर चढ़ती जाती हैं एंड काफी कवर हो जाता है एक थिक सीड कोट से। ठीक है, ओव्यूल सीड में कवर हो जाता है एंड उसके ऊपर कई सारी लेयर्स चढ़ती जाती हैं जो कि कहते हैं हम उसको सीड कोट। ठीक है, एंड इस ओव्यूल के अंदर क्या हुआ होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है एंड ये एम्ब्रियो ही आपका क्या है, बेबी प्लांट है। ठीक है, देखो जर्मिनेशन में क्या होता है, देखो ये तो आपका सीड है, देखो सीड के ऊपर जो आपको दिख रहा है वो उसका क्या है, कोट है। ठीक है, सीड कोट। नाउ जब इसमें पानी पड़ता है तो ये सीड कोट जो होती है वो बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, बर्स्ट मतलब फट जाती है एंड उसके अंदर जो ये एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो क्या है, बेबी प्लांट, वो बेबी प्लांट धीरे धीरे बाहर निकलने आता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस आपके सीड से स्मॉल बेबी प्लांट आपका ग्रो करने लगा। अब देखो इसका जो ये सीड कोट है वो भी फटने लग गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे धीरे धीरे और ग्रो कर रहा है एंड इवेंचुअली उसने पूरा ग्रो कर लिया है। तो ये देखो आप सीड के अंदर आपका कैसा प्लांट होता है, बेबी प्लांट होता है। बेबी प्लांट को ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो पूरा सीड है वो क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो CBSE ज़्यादातर पूछता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट आपकी फ्यूज करती हैं, पहली चीज़, एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, जो आपका न्यूक्लियस होता है ना,
न्यूक्लियस भी आपका जो पोलर न्यूक्लियाई होता है जो कि सेंटर में होता है, ठीक है, वो भी आपका फ्यूज करते हैं एंड क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म। नाउ एंडोस्पर्म क्या करता है, इस बेबी प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करता है, कौन आपका एंडोस्पर्म। जैसे कि जब आपके वुमेन यानी कि ह्यूमन बींग्स में जब बेबी होता है, ठीक है, बेबी अपनी मदर के वोम में होता है ना, वोम के अंदर वो अपनी मदर की बॉडी से क्या ले रहा होता है, न्यूट्रिशन ले रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका एम्ब्रियो बना था यहाँ पर, ठीक है, वो इस एंडोस्पर्म से आपका न्यूट्रिशन ले रहा होता है, तभी तो वो ग्रो करेगा। क्यों चाहिए होता है, तभी वो ये जो बेबी प्लांट है, ठीक है, इसकी ग्रोथ तभी होगी जब इसको फूड मिलेगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी भी चीज को करने के लिए आपका खाने की इम्पोर्टेंस है, फूड के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते, तो इस बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए भी फूड चाहिए। ये फूड जो होता है वो कौन पूरा करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को एंडोस्पर्म करता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला इवेंट जो होता है वो होता है ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड। जो आपकी ओव्यूल होती है वो आपकी सीड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड ओव्यूल के अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट जो कि फ्यूचर में आपका प्लांट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, ठीक। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो होता है ओवरीज। नाउ ये जो इसके साइड में ओवरीज दिख रही हैं वो आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप आम खाते हो तो जो आप आम खा रहे हो वो ओवरीज है, उसके अंदर जो सीड होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल, है ना। तो वो चीज है। नेक्स्ट आता है थर्ड इवेंट, दैट इज डीजेनरेशन ऑफ रिमेनिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो फ्लावर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, देखो ओवरीज थी, ऊपर स्टाइल होता है, फिर स्टिग्मा होता है, उसके साइड साइड में क्या लगे होते हैं, एंथर, ठीक है, एंड देन वो पूरा पेटल्स, देन सेपल्स। तो ये सारे जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, वो पार्ट्स आपके सारे के सारे स्लोली क्या होने लगते हैं, डीजेनरेट होने लगते हैं, ठीक है। सेपल्स, पेटल्स, एंथर, स्टाइल, स्टिग्मा, सब कुछ आपका क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, सिर्फ आपका ओवरीज बचता है, ठीक है। एंड ओवरी किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। तभी जब भी अगर आप किसी प्लांट को देखते हो जिसमें फूल लगा हो, तो उसी जगह पर, उसी लोकेशन पे थोड़े दिनों बाद फ्रूट भी आ जाता है। जहां पर आपका फ्लावर होता है उसी लोकेशन पे आपका फ्रूट आता है। एंड ये जो फ्रूट आया है ये आपका क्या इंश्योर कर रहा है कि उस प्लांट में क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। क्योंकि फ्रूट तभी आते हैं जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट। वन इज आपका ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड्स, ओवरीज कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, एंड रिमेनिंग फ्लावर पार्ट्स डीजेनरेट। ये तीन इवेंट हैं, तीन नंबर के क्वेश्चन में आता ही आता है, अच्छे से याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज जर्मिनेशन। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड, अब ये जो आपका ओव्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई फ्रूट खाया, ठीक है, लेट अस कंसीडर हमने मैंगो खा लिया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस मैंगो का जो सीड होता है उसको हम फेंक देते हैं, है ना। तो अगर आपने उसको सॉइल में फेंका है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, नीचे जमीन में जाएगा, है ना। वो जो मैंगो का सीड कोट होता है, ठीक है, वो आपका एक दो दिन में नहीं खुलता है, काफी टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका सॉइल के अंदर है, क्योंकि सॉइल में वाटर होता है, तो ये वाटर जो है जब इस सीड कोट के अंदर जाता है तो वो आपका फूल जाता है, ठीक है, स्वेल हो जाता है। स्वेल होने के बाद ये सीड कोट क्या होता है, वो बस्ट होता है थोड़ी सी जगह से, एंड जहां पर वो बस्ट होगा वहां से जो बेबी प्लांट है वो बाहर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ से एक स्मॉल आपका प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं रेडिकल। रेडिकल मतलब वो पार्ट प्लांट का जो कि रूट्स बनाएगा, एंड प्लूम्यूल मतलब वो पार्ट सीड का जो कि शूट मतलब कि स्टेम बनाता है, ठीक है। प्लूम्यूल एंड रेडिकल, हर एक सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें आपका प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है, रेडिकल प्रेजेंट होता है। जो प्लूम्यूल होता है वो शूट बनाता है, जो रेडिकल है वो रूट बनाता है, ठीक है। तो ये देखो क्या होता है, फिर उसमें से धीरे से एक रेडिकल निकलने लगता है, देन थोड़ा और ग्रो करेगा, जब और ये फटेगा, ठीक है, जो सीड कोट है थोड़ी और बाहर निकलेगी, तो और ये ग्रो कर रहा है। नाउ
ये जो प्लांट है ये अपने आप से ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो फूड एंडोस्पर्म ने जो फूड दिया है वो उसको कंज्यूम करके इतना सारा काम कर रहा है, ठीक है। ये वर्क करने के लिए उसको जो एनर्जी मिल रही है वो कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा और ग्रो किया एंड थोड़े समय बाद वो मिट्टी के ऊपर आ जाएगा एंड जब वो मिट्टी के ऊपर आएगा तो उसमें से फिर लीव्स भी आना ग्रो करेंगे एंड देन देखो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, फिर छोटा सा प्लांट भी ग्रो करने लगेगा। तो इस तरीके से आपका जर्मिनेशन होता है। सो देखो इट इज द इनिशियल स्टेजेस इन द ग्रोथ ऑफ अ सीड टू डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। देखो ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यही आपका जर्मिनेशन है सीड का, कैसे होता है, ठीक है। सीड सबसे पहले सॉइल में जाती है, उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब करती है, उसका जो कोट है वो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगता है, बर्स्ट करने लगता है, फट जाता है एंड उससे प्लांट बाहर आने लगता है। सबसे पहले आपका रेडिकल, ठीक है, रेडिकल जो है वो रूट्स बनाते हैं, देन फिर और ग्रो करेगा तो बाकी सारा जो सीड कोट है वो भी आपका बाहर निकल आता है, पूरा प्लांट फिर बाहर आ जाता है, यानी कि एम्ब्रियो, ठीक है। एंड देन ये एम्ब्रियो और ग्रो करेगा देन सॉइल के बाहर आ जाता है एंड देन और ग्रो होती है, उसकी ग्रोथ होती है एंड देन प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका ओवरऑल जर्मिनेशन का प्रोसेस है।